बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे पहले हमने मैथ की बुक का काम किया था, आज फिर हम अपने न्यू काम के साथ मैथ की बुक का काम करेंगे। दिस इज़ माई नंबर बुक एंड नाउ ओपन इट। सबसे पहले हम इस पेज पे पढ़ेंगे। हमने इस पेज पे क्या करना है? सर्कल सर्कल सर्कल। सर्कल क्या होता है? जो चीज़ बिल्कुल गोल होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक लड़की देख रहे हैं, उसने अपने दोनों हाथों को मिला के एक अच्छा सा सर्कल बनाया है। इसी तरह आप भी अपने घर पर अपने दोनों हाथों को जॉइंट करके सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका अच्छा सा सर्कल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो अगर आप अपनी टू फिंगर्स को जॉइंट करते हैं तो हमारा सर्कल बनता है। अगर आप अपनी फिंगर्स और अपने थंब को जॉइंट करके करें तो भी हमारा सर्कल बनता है। सर्कल इज राउंड एंड राउंड। आगे हमारी सर्कल की ट्रेसिंग आ जाती है। हम डॉट से स्टार्ट करेंगे। डॉट्स के ऊपर ऊपर हम अपने उसको फॉलो करके हम सर्कल की ट्रेसिंग करेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे, सर्कल 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 इज राउंड एंड राउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस पेज पे हमने क्या करना है। सर्कल्स ऑल अराउंड अस। सर्कल्स ऑल अराउंड अस, इसका मतलब है आपने अपने इर्द गिर्द देखना है हमारे पास सर्कल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या है? क्लॉक। वेरी गुड। सब बच्चों के घर में होती है ना, सब बच्चों ने देखी भी है। तो सर्कल भी किस में होती है? क्लॉक किस में होती है? सर्कल में। वेरी गुड। सर्कल इज़ राउंड एंड राउंड। फिर आप आगे देखें, फुटबॉल। फुटबॉल भी सब बच्चे खेलते हैं, सबके घर में ज़्यादातर होता भी है। तो फुटबॉल भी किस शेप में होता है? राउंड में। सर्कल होती है उसकी शेप, क्या होती है? सर्कल सर्कल। अगर आप अपने घर में आपकी बाइक है या आप देखते हैं बाइसिकल है आपकी, तो वो भी उसके जो व्हील्स हैं वो किस में होते हैं? सर्कल में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, गोल होते हैं ना, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। जो चीज़ गोल होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल इज़ राउंड एंड राउंड। सर्कल इज़ राउंड एंड राउंड। नाउ नेक्स्ट टू द कम नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमने इस पेज पे क्या करना है। ओके, से ट्रेस एंड राइट। से ट्रेस एंड राइट। हमने इस पेज की ट्रेसिंग करनी है और लिखना है, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमने लिखना क्या है। सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है? वन वन वन। एंड सेकेंड नंबर इज टू टू टू। सेकेंड नंबर इज टू। नाउ लास्ट नंबर इज थ्री थ्री। नंबर थ्री नंबर थ्री। अब हमने इस पेज को रिपीट किया है, हमने दोबारा से इन नंबर्स को पढ़ा है। पहले हम ये तीनों नंबर्स पढ़ चुके हैं, वन भी कर चुके हैं, टू भी कर चुके हैं, थ्री भी कर चुके हैं। आपने इन डॉट्स पे ट्रेसिंग करने के बाद जब आप लास्ट लाइन पे आएंगे वहाँ पे आपको वन डॉट मिलेगा। देखिए, जब आप वन लिखेंगे तो उसके ऊपर वन डॉट भी बना हुआ है। फिर आगे आएंगे, टू लिखेंगे तो टू के ऊपर टू डॉट्स हैं। फिर थ्री लिखेंगे तो थ्री के ऊपर थ्री डॉट्स हैं। साथ आप पढ़ेंगे और साथ आप लिखेंगे, वन टू थ्री वन टू थ्री। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे, हमने थ्री नंबर्स तो पढ़ ली, अब हम कुछ डिफरेंट चीज़ों से देख के करेंगे कि नंबर थ्री कैसे। देखें, वन वन फिंगर वन, टू फिंगर्स टू, एंड थ्री फिंगर्स थ्री। वन टू थ्री, ये हमारी थ्री फिंगर्स हो गए। नेक्स्ट दोबारा करते हैं। अब हम अपने हाथ को फिर से बंद करके दोबारा से काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री वन टू थ्री। अब हम कुछ न्यू चीज़ों से आपको बताएंगे काउंटिंग। ये देखें, आप ये चौक देख रहे हैं, थ्री कलर्स के, थ्री कलर्स के चौक हैं। अब हम इनको वन वन करके काउंट करेंगे, वन। अब एक और चौक में अगर इसके साथ रख दूँ, टू। अब एक और चौक इसके साथ रखूँगी तो
थ्री चौक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने चौक हैं? थ्री चौक्स। वन अगर मैं एक रखूँगी तो वन, अगर इसके साथ एक और रखूँगी तो ये टू हो जाएंगे, एंड थर्ड रखूँगी तो थ्री हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है हमने थ्री तक काउंटिंग फिनिश कर ली है। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले हम देखेंगे हमने इस पेज पे क्या करना है। हाउ मैनी, हाउ मैनी, इसका मतलब कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं हम काउंट करेंगे। हाउ मैनी। ड्रॉ डॉट ऑन द बलून्स, ड्रॉ डॉट ऑन द बलून्स, हम बलून के अंदर डॉट्स ड्रॉ करेंगे। लेकिन कैसे, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हमारे पास बलून्स के नीचे काउंटिंग भी लिखी हुई है। पहले हम उस काउंटिंग को पढ़ेंगे, फिर उस काउंटिंग के मुताबिक हम बैलून के अंदर डॉट्स ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर है। विच नंबर इज दिस? वन। वेरी गुड, याद हो गया ना सब बच्चों को, विच नंबर इज दिस? वन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डॉट ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे पेंसिल से बैलून के अंदर डॉट ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर इज दिस? टू। नंबर टू, नंबर टू। अब हम इस टू के ऊपर बैलून है, हम उस बैलून में टू डॉट्स ड्रॉ करेंगे। वन टू, वन टू, टू डॉट्स ड्रॉ हो गए। अब नेक्स्ट नंबर इज दिस? थ्री। नेक्स्ट नंबर इज दिस? थ्री। अब हम थ्री के ऊपर बैलून में थ्री डॉट्स ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, वन टू थ्री, हमने थ्री डॉट्स ड्रॉ कर लिए। आप थोड़ा इतना ड्रॉ करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा और आपको पता चलेगा आपने कितने डॉट्स ड्रॉ किए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्क, काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट। अब हमने यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इनको काउंट करेंगे। जितनी पिक्चर्स होंगी हम आगे स्लैश पे वो नंबर लिख देंगे। लेट्स काउंट इट। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज फ्लावर्स। लेट्स काउंट इट। वन टू, वन टू। अब हमने यहाँ पे पढ़ा हमारे पास टू फ्लावर्स हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे टू। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज दिस? व्हाट इज दिस? एलिफेंट। ये तो सब बच्चों ने देखा हुआ है ना, जू सब बच्चे जाते हैं और शौक से एलिफेंट को देखते हैं, प्यार भी करते हैं। तो लेट्स काउंट इट। हाउ मैनी बैलून, हाउ मैनी एलिफेंट्स? वन। हाउ मैनी एलिमेंट एलिफेंट्स? वन। नाउ राइट इट, वन। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? ट्रीज। वेरी गुड, लेट्स काउंट इट। वन टू थ्री, हाउ मैनी ट्रीज? थ्री। हाउ मैनी ट्रीज? थ्री। हम यहाँ पे लाइन पे थ्री राइट कर देंगे। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम देखेंगे हमने न्यू चीज़ में हमने इस पेज पे क्या करना है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब है आगे आने वाली चीज़। व्हाट कम्स नेक्स्ट टू, ठीक है, हम नेक्स्ट टू कहते हैं आगे आने वाली चीज़ को। जो चीज़ पहली चीज़ से आगे होती है उसको हम नेक्स्ट टू कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर से बताऊँगी कि नेक्स्ट टू किसको कहते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट टू ब्रश, व्हाट कम नेक्स्ट टू ब्रश। यहाँ पे देख रहे हैं आप, उन्होंने ब्रश बनाया हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्रश बनाया हुआ है। आपने इससे आगे वाली चीज़ देखनी है कि आप ब्रश से आगे कौन सी चीज़ है, तो उसको हम कहेंगे नेक्स्ट टू। क्या कहेंगे? नेक्स्ट टू। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है व्हाट कम्स नेक्स्ट टू ब्रश, तो ब्रश से आगे क्या है? बी। वेरी गुड, तो हम इस बी को सर्कल कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट टू एरोप्लेन। यहाँ पे आपको एरोप्लेन नज़र आ रहा है ना, तो इसके नीचे भी एक एरोप्लेन है। तो नेक्स्ट टू में हमने क्या कहा था, हम जो चीज़ होगी उससे अगली चीज़ बताएंगे। व्हाट कम्स नेक्स्ट टू एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से आगे क्या है? चिक। क्या है? चिक। वेरी गुड, हम चिक को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट टू इरेजर, व्हाट कम्स नेक्स्ट टू इरेजर। हमने इरेजर से नेक्स्ट चीज़ बतानी है, तो व्हाट कम्स नेक्स्ट टू इरेजर, इरेजर से आगे क्या है? बुक। इरेजर से आगे क्या है? बुक। व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? बुक। व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? बुक।
अब हम बुक को इंसर्ट कर देंगे। वेरी गुड। नई डिफरेंट चीज़ों से हम अपनी एक्टिविटी सीखेंगे वर्ड कम नेक्स्ट टू की। मैंने जैसे आपको पहले बताया था नेक्स्ट टू अगली चीज़ को कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, पेन है, इरेजर है, पेंसिल है, ठीक है। अब जहाँ पे आपकी टीचर फिंगर रखेंगी आपने वो चीज़ नहीं बतानी, आपने उससे नेक्स्ट चीज़ बतानी है कि अगली चीज़ कौन सी है, ठीक है। आपने उससे अगली चीज़ बतानी है। अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट कम नेक्स्ट टू पेन। वेरी गुड। इरेजर। व्हाट कम नेक्स्ट टू पेन? इरेजर। व्हाट कम नेक्स्ट टू पेन? इरेजर। अब अगर मैं आप बच्चों से कहती हूँ व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? वेरी गुड। पेंसिल। क्योंकि टीचर की फिंगर यहाँ पे थी तो टीचर की फिंगर से साथ नेक्स्ट टू पे क्या थी? पेंसिल। व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? पेंसिल। व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? पेंसिल। व्हाट कम नेक्स्ट टू इरेजर? पेंसिल। थैंक यू।